अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में इमामुल हक की जगह अहमद शहजाद को ओपनर के तौर पर शामिल करने का फैसला, तो भाई क्या कहानी रचाई गई है, आज आपके साथ ये शेयर करूंगा। और इसके अलावा जनाब एक और बड़ी अपडेट है, अकमल बरादरान ने शिकवा किया अपने कजन बॉबी सुपरस्टार से कि भाई इस बंदे ने हमें रुसवा किया है और फलां को मौके धड़ाधड़ देते रहा लेकिन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो क्या कुछ डिस्कस हुआ है आज आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अहमद शहजाद, जो बंदा दावा कर चुका है कि भाई मैं तो कल ही टीम के अंदर वापसी करूंगा, हर हाल में वापसी करूंगा, यानी कि ना का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है, मैं वापसी करूंगा, हर हाल में वापसी करूंगा। जब पूछा गया कि भाई आपने लिस्ट देखी है, इमामुल हक है, फखर जमान है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ओपनर्स की तो भरमार है, तो किस तरह वापसी करेंगे, परफॉर्मेंस 110% दे रहे हैं, तो अहमद शहजाद ने कहा कि भाई अगर वो 100 बना रहा है तो मैं 120 बना दूंगा ना, यानी कि वो अगर 100% दे रहा है तो मैं 110% दे दूंगा, तो तब वापसी करूंगा। तो उनका कहना है कि जो इमामुल हक है या फखर जमान है या रिजवान है, वो किसकी जगह मतलब लेकर आए, तो अहमद शहजाद ने कहा कि जब मुझे निकाला गया तो तब ही इनको डाला गया ना, तो शहजाद ने कहा कि मेरी जगह पर तो यही लोग खेल रहे हैं तो अब इनकी जगह मैं लेकर खेलूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया अहमद शहजाद ने इमामुल हक के लिए, फखर जमान के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, तैयार हो जाए जनाब, अहमद शहजाद अब आपके पीछे पड़ चुका है, ये बंदे ने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जनाब अगर बात करें तो कामरान अकमल ने भी बात किया, उमर अकमल ने भी बात किया कि जितने मौके आसिफ अली को बाबर आजम ने दी, अगर उतने मौके हमें मिलते तो हम इससे तगड़ा परफॉर्म करते और आज पाकिस्तान की टीम कैसा होते। ये भाई उमर अकमल और कामरान अकमल ने दावा किया है, शिकवा किए बाबर आजम से कि आसिफ अली को तो बंदा मौके देता रहा लेकिन हमारी तरफ नहीं देखा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उमर अकमल और कामरान अकमल को इतने मौके मिलने चाहिए थे? आसिफ अली T20 का प्लेयर, उसको T20 के अंदर मौके दिए, उमर अकमल को भी श्रीलंका वाली सीरीज में मौके दिए गए लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन शायद अब लगता है कि उमर अकमल को मौके देने पड़ेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब।